Α. Πάλι. Αριβά. Όρκο του Νίπα Τζάνα, από πού πήγα και σαν ναι, ναι, κουτσνή. Και εγώ. Ναι, κουτσνή. Σατιά που ζάκι που λάνε βαλή την αδάντη κυλιέ. Καχά ρε γεϊ. अगर आपने हमारी मन्नत पूरी कर दी तो हम सोने का धागा बांधेंगे और अगर नहीं की तो अगली बार जल के जगह तेजाब चढ़ाएंगे। हे पीपल देव, अब आपसे क्या छुपाना, हम तो बस पंडित जी के हो बैठे हैं। तो इसी घर में भी आएंगे, क्यों ही नहीं सेवा कर रहे हैं हम इस घर की। आपकी जय हो। बंटी जी, आपने हमारी प्रार्थना तो नहीं सुनी ना? सुनने लायक थी का? बाहर से सीढ़ी बनवा देंगे, पहले ना हमें दादी की पूजा पूरी करवानी। जी, हम अभी फूल लेके आते हैं। अच्छा बंटी, वो आ गई? जी आ गई। ये घर बार के समाचार बाद में सुन लीजिए, पहले हमें। बंटी जी प्लीज, एक सेल्फी खींचे आपके साथ पेड़ को बैकग्राउंड में रखते हुए। प्लीज प्लीज आइए ना। वो क्या है, हमने ना मन्नत मांगी है। कैसी मन्नत? पप्पू भैया के लिए। चलिए ना, स्माइल कीजिए। स्माइल। अरे सुन सुन बंटी, तुमसे हमको दो काम है। पहला तो हमने तुमको बताया था तुम्हारी भाभी के कंगन बदलने थे, वो जो पुरानी स्टाइल के थे। हाँ, वो तुमने बदला है कि नहीं? बदल देंगे भैया। और दूसरा सबसे जरूरी काम, हमारे कमरे का होलिया बदलना है। देखो वैसे तो सब अच्छा हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके की अड़चन बाधा संकट हमको नहीं चाहिए। अरे हो जाएगा भैया, हम है ना। पप्पू भैया अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए और रिलैक्स कीजिए, हमने ना मन्नत मांगी है और देखना पीपल देव हमारी मन्नत जरूर सुन लेंगे। सच्ची मुच्ची। हे बाबा भोलेनाथ, पप्पू की तबीयत ठीक कर दो। हम आर पार की माला चढ़ाएंगे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। आर पार की माला तुम कैसे चढ़ाओगी, भूल गई? गंगा घाट पे तुम नहीं जा सकती। हम तुम्हारे इस विवाह को नहीं मान सकते, इसीलिए हम तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी पश्चाताप, बस हमें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आज के बाद हमारे मरने पर ही घाट जाओ। श्री भोलेनाथ की। बेटा सबको आरती दे दो। हे अम्मा, तू रो क्यों रही है? देखो बंटी बेटा, शादी से पहले हमें हमारी मन्नत पूरी करनी है। मन्नत पूरी नहीं की तो पप्पू के जीवन में बाधा आ सकती है। बाधा? अम्मा आप कौन सा बाधा आने वाला है हमारे विवाह में? कैसी मन्नत अम्मा? बाबू, माँ जी
वही मन्नत, आर पार की माला। लक्ष्मी जी, आपको बता दें कि आपकी मन्नत पूरी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों पूरी नहीं हो सकती बाबूजी? बाबा चाहे तो पूरी हो सकती है ना जी। तुम कब से असंभव सी बातें करने लगी? बच्चों की खुशी के आगे संभव असंभव क्या देखेगी एक माँ? घाट पर न जाने की कसम भी बाबा ने दी थी इस पुत्र को। देखो, तुम चाहे यज्ञ करो, हवन करो, जो करना है वो करो, लेकिन घाट से दूर तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हो सकती। मतलब नहीं हो सकती, मतलब हमारा ब्याह नहीं हो सकता। ऐसा ना कहो अम्मा, हम आपकी मन्नत पूरी कराएंगे। हमारे होते हुए आपकी कोई बात अधूरी नहीं रहेगी। मूर्ख हो तुम। अगर माँ कह रही है कि बाबा से बात करके मनोती पूरी हो सकती है तो मैं मूर्खों से तर्क नहीं करता। अब ये क्या बात हुई बाबूजी? उन्हें पूछा जा सकता है, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है ना। बंटी, तू अपने बाबा को नहीं जानता बेटा। हाँ बुआ, नहीं जानता, सिर्फ उनका नाम जानता हूँ। और बाबूजी की अलमारी में उनकी तस्वीर देखी है, और ये भी जानता हूँ कि बाबूजी और अम्मा का ब्याह उन्हें स्वीकार नहीं था, इसलिए अपना घर छोड़ के वो अपने पुश्तैनी गाँव के घर चले गए। और वो आप, हम तो बस इतना जानते हैं कि दादी आज भी पाठ करते वक्त बाबा की मंगल कामना करती है, लेकिन अपना दुख किसी से कहती नहीं। और बाबूजी, उनके तो दिन की शुरुआत नहीं होती बिना बाबा की तस्वीर देखे। ये तो बाबूजी का आत्मसम्मान है जो उन्हें रोकता है अपना दुख दर्शाने से। वो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि माँ जब इस घर में ब्याह करके आई, उन्हें कभी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिला। हाँ, हम बाबा को नहीं जानते, लेकिन बुआ वक्त आ गया है, हम बाबा को जानना चाहते हैं। अरे यार भंटी, यहाँ बात हमारी हो रही है, हमारे बड़े भाई की। आज हमारी शादी है, 5 बजे हमारी बारात निकलने वाली है, और तुमों की। अम्मा, हम तुमसे प्रार्थना करते कि थोड़ी शांति रखो, थोड़ा धैर्य रखो। अरे दादी, आप समझाओ इनको। हमको तो लगता है कि हमारी शादी में सबसे बड़ी विघ्न बाधा अड़चन यही है, हमारी अम्मा। शिव प्रसाद बिटवा, तुमने बात तो बहुत बड़ी की, लेकिन ये भी जान लो बिटवा, तुम जिनसे उम्मीद बांध रहे हो वो वही है जिन्होंने अपने अहम के लिए अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्र को त्याग दिया। दादी, हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी जब भी यहाँ से गुजरती गली के छोर पे जाके रुकती है कुछ क्षणों के लिए। क्यों? यही देखने के लिए कि उनका परिवार खुशहाल है या नहीं। अम्मा, तू चल, हम बाबा को अभी मिल के आते। बंटी, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो। देखिए भैया, अगर माँ ने कह दिया ना तो हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन हम माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बोलो। चलो बंटी। तुमने कहा था ना कि तुम बाबा से बात करो कि मुझे शादी में जाने दे, तो बात करो ना। हाँ, एक मिनट। काका, वो ना मेरी एक फ्रेंड की शादी है। गुड। तो क्या मैं सागरिका को अपने साथ ले जाऊं? उबली, तुम जानता है हम सागरिका को अकेले कहीं जाने नहीं देता है। आज अगर मेरी माँ होती तो मुझे शादी में जरूर भेजती। मामुनी, सागरिका, यू नो ना दैट आई लव यू। तो फिर मैं शादी में क्यों नहीं जा सकती? बाबा प्लीज, मुझे ये प्रॉपर बनारसी वेडिंग देखनी है, और मैं अकेली तो नहीं हूँ ना, पुबाली है मेरे साथ। बाबा प्लीज जेते दाओ, और वैसे भी मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। कल सुबह माने तुम सारा रात घर वापस नहीं आएगा?
काकू, शादी तो रात को ही है ना? हाँ। ठीक है, तुम जा सकता है, किंतु तुम हमारा गाड़ी में ही जाएगा आएगा, बुझे चो? थैंक यू भगवान। बुआ जी, कचौरी लीजिए ना चटनी के साथ, हमने बनाई है। वाह! फूफा जी, हमने सुना है आप हाथ देखते, हमारा भी देखिए ना। लाओ। अरे वाह, तुम्हारी तो चंद्र रेखा स्पष्ट है, ससुराल में राज करोगी। लेकिन कब फूफा जी, कब? दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक बार बस भाभी घर में आ जाए ना, उसके बाद हम दूसरी मन्नत मांगेंगे आपकी शादी की। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस? हम बता रहे हैं, मन्नत का नाम दोबारा इस घर में मत लेना। अरे मन्नत ना होगी, महादेव जी की तीसरी आग हो गई। हम जा रहे हैं शनिदेव बाबा जी को तेल चढ़ाने के लिए, और ठीक 5 बजे, एक सेकंड ऊपर एक सेकंड नीचे, हम अपनी बारात लेकर खुद निकल लेंगे। तुम एक काम करो, तुम अपने होने वाले ससुर से जाकर कहो कि विवाह कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया, प्रतीक्षा कर सकते तो करें, वरना। अरे अरे, क्या घूर क्या रहा, यही एक उपाय बचा है, जो गए हैं ना आसरे की फटफटी पर बैठकर, वो ना लौटने वाले हैं भरी झोली लेकर। अब क्यों इतनी निराशा की बातें किए जा रहे हो, क्या बिगाड़ा बेचारे परशुराम ने आपका? रमा तुम बीच में मत बोलो, समझी? चुप रहो बस। काहे को ना बोले भाई, अरे सबके सामने जब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो हम तो बोलेंगे। अच्छा, तब तो तुम्हारी जुबान ना खुली थी जब बाबा ने हमको आशीर्वाद देने से मना कर दिया था। क्या क्या किया था? प्रेम विवाह ही किया था ना, कोई गुनाह तो नहीं किया था? और विवाह भी कैसे, अपने धर्म बोली भाषा प्रांत संस्कार में किया था ब्याह, किसी ईसाई बंगाली से नहीं। बातें करना बहुत आसान। ठीक है भैया जी, अगर आपके मन में इतनी कटुता भरी है ना हमारे खिलाफ, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं, वापस लौट जाते, गलती हो गई। ठीक है तो जाओ। अम्मा जी नमस्ते, हम चलते हैं। बस बहुत हो गया, राम तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। अरे अब हम क्या करें दादी, बाहर वहां घोड़ी खड़ी हुई है, उसको ऐसे ही विदा कर दें, बोलो। अरे बछुआ, जब तक बंटी इस घर में है, हम निराश होने वाले नहीं है, और तुम्हें भी निराश होने की जरूरत ना है। हम आपसे माफी मांगते हैं, बड़े छोटे सबकी ओर से, आप ही के वंशज हैं, अपने वंश की नाक ना झुकने दीजिएगा। तरीका है आशीर्वाद लेने का, चले आए बस। फोन पर क्यों नहीं बताया, बहू को भी लाए हो? जी आज और अभी तो अपने ने बहू माना। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, ये आपकी बहू है। स्वयं विवाह करने से पहले हमारे आशीर्वाद की नहीं सोची बाबूजी? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अब तो हम इस घर के हो गए हैं, आपका आशीर्वाद हमारा हक है। ऐसा तो ठीक है, तुम रहो इस घर में, हम चले जाते हैं, आज के बाद हमारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। इतना बड़ा पुत्र हो जाने पर हम बहू माने न माने इससे क्या फर्क पड़ता है? सही, बड़े पुत्र हैं इनके, उनका ब्याह होने जा रहा है, आपकी दी हुई कसम के वजह से उनका ब्याह रुखा पड़ा है। कैसी कसम? भाई घाट पे ना जाने की। तो ठीक, राम यहाँ से इतने सालों से वंचित रखा है आपने हमें। हम समझे नहीं, हमारी कसम की वजह से विवाह में बाधा पड़ रही है या बहू की मन्नत की वजह से? जी दोनों। दरअसल अम्मा ने आर पार की माला की मन्नत मांगी थी कि आपके पहले पुत्र के ब्याह में अगर आप आशीर्वाद नहीं दें तो बहू घर नहीं आएगी। बाबा जी, आपके बहू और आपके पोत्र दोनों घर आए, आप क्या उन्हें खाली हाथ वापस जाने देंगे?
आप तो राज्य के परिवार कल्याण अध्यक्ष हैं, अपने ही परिवार से मुंह फेर लेंगे आप? बाबा, हम आपसे माफी मांगते हैं, बड़े छोटे सबकी ओर से। आप ही के वंशज हैं, अपने वंश की नाक न झुकने दीजिएगा। खाए हो क्या? सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी के सुख में हमारा सुख है, यही हमारी खुराक है, यही हमारा जीवन। बातों से तो लगता है हमारी गद्दी लोगे हमसे। भाग्यशाली समझेंगे अपने आप को जो आप जैसे बन पाए तो, मगर आपके आशीष के बगैर कुछ ना हो पाएगा। आप दादू हैं हमारे। जाओ, हम मिलेंगे तुम्हें घाट पर 4 बजे और वहीं से बहू की मन्नत पूरी करवा कर बारात विदा करेंगे। सपनों की मटकी सर पे धरे हैं, ना ये डराए ना खुद ही डरे हैं। स्वर्ग दिखता है माँ के चरण में, भैया बहना से महका चमन है। गंगा मैया के पंती भैया, थोड़े से राम थोड़े कन्हैया। कोई भी प्रॉब्लम आए अगर तो इनका यही है कहना। डोंट वरी, सुनो अभी हम है ना। पंडित भैया का यही है कहना। प्रणाम बाबा जी, आपका परिवार। क्यों राम अवधेश, भारी अकड़ अभी तक गई नहीं? क्या करूं, आप ही का बेटा हूं। अरे तुमसे तो तुम्हारा बेटा अच्छा है, जिसने घर आकर पैर पकड़कर माफी मांग। तुम भी अगर आकर माफी मांग लेते तो क्या मैं तुम्हें माफ नहीं करता? किस बात की माफी? क्या गलती थी हमारी? गलती? तुम्हें अभी तक तुम्हारी गलती नहीं समझ में है? वैसे घर छोड़कर आप गए थे और आपके जाने के बाद भी इतने सालों तक घर को संभाला है। पैर छुई चाहिए। Thank you.
मुझे प्रणाम। बाबा प्रणाम। कैसी है मेरी बेटी है? बाबा चार बज गए, पांच बजे का बारात है। वो नाव नाव भी किनारे पर आकर खड़ी है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुझे अपने ब्याह की बहुत जल्दी हो रही है। चलो भाई सब लोग चलो, दादी चलो चलो। बाबा बांधे बांध बांध। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। अम्मा। हाँ। ये पा लिया। अरे वाह। और कुछ तो नहीं बचा ना पप्पू भैया की शादी के लिए? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं।
सत्या पूजा के फूल लाने वाली थी ना दादी के लिए, कहाँ रह गई? कर दी तो हम सोने का धागा बांधेंगे, और अगर नहीं की तो अगली बार जल के जगह तेजाब चढ़ाएंगे। हे पीपल देव, अब आपसे क्या छुपाना, हम तो बस पंडित जी के हो बैठे हैं, तो इसी घर में भी आएंगे। नहीं, सेवा कर रहे हैं हम इस घर की। आपकी जय हो। सत्या बंटी जी, आपने हमारी प्रार्थना तो नहीं सुनी ना?